Assalamu alaikum. My name is Javed Iqbal Ewan. C Sharp programming classes ki series mein main aap logo ko welcome karta hu. Aaj ka jo hamara topic hai wo hai loops. Loop hai kya? Pehle baat loop kya? Loop basically hamari programming mein ek structure hota hai aur ek aisa structure jiske andar hum kisi bhi apni conditions ke against mein koi bhi repetition, koi bhi kisi bhi sequence ko repeat karna chahte hain. यानी किसी भी सीक्वेंस को अगर आप रिपीट करना चाहते हैं अपनी एक कंडीशंस का गैस में कि जब हमारी कंडीशन जब तक मीट होगी तब तक वो रिपीट होगा और जैसे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब वो आसे रिपीट जो उसकी सीक्वेंस जो रिपीट हो रही थी वो रुक जाएगी. इस पर्पज़ के लिए लूप इस्तेमाल होता है. या दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं रिपीटेशन ऑफ वर्क. अपने काम को रिपीट करने के लिए भी हम लूप इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग में. जो प्रोग्रामिंग में चाहे वो सी लैंग्वेज हो चाहे सी शार्प हो चाहे जावा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सब में जो लूप का कॉन्सेप्ट है वो यही है. अगर मैं इसको और आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ कि अगर मैं किसी भी चीज़ को रिपीट करना है जैसे मुझे एक मिसाल है फॉर एग्जांपल एक से दस तक नंबर मुझे लिखना है तो सब मतलब नंबर को रिपीट करना है. अब एक से दस की सीक्वेंस चाहिए और एक से दस के दरमियान कितने का गैप होगा ये तो हमारी कंडीशंस हो जाएगी. लेकिन मुझे क्या चाहिए मुझे एक से दस के दरमियान नंबर को रिपीट करना है. मुझे कोई भी नाम 10 दफ़ा 20 दफ़ा 50 दफ़ा लिखवाना है तो इस पर्पज़ के लिए हम लूप को इस्तेमाल करते हैं कि वो काम जो हम नॉर्मली खुद से करते हैं और हमें काफ़ी टाइम लगेगा तो उसके अगेंस्ट भी हम लूप चला लेंगे. हमारी प्रोग्रामिंग में लूप का एक फ़ायदा जैसे अब डेटाबेस से हमें रिकॉर्ड फैच करवाना है. अब डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है या एक है या दो है या बहुत सारा है लाखों में रिकॉर्ड है और मुझे इसको फैच करवाना है और मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड मेरा फोरी स्पीड से आ जाए तो उस पर्पज़ के लिए भी हम लूप को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सारा डेटा हमारे पास फैच हो जाएगा. स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और एंड तक जितना भी डेटा होगा वो सारा हम फैच करवाना चाहते हैं तो लूप हमारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखती है और वहाँ से फ़ौरन से उसका आउटपुट लाने के लिए इस्तेमाल होता है. चेकबुक की मुझे एक सिक्वेंस जनरेट करवानी है मुझे प्रिंट करवाना है तो उस पर्पज़ के लिए भी हम लूप को इस्तेमाल करते हैं. इस तरीके से अगर मुझे कोई कलेक्शन है कोई एरे बनाया हुआ है वहाँ से डेटा उठाना है तो भी हम लूप को इस्तेमाल करते हैं. तो इसका मतलब है मोर देन वैल्यू बहुत सारा एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हमारे पास है और उसको मुझे रिपीट करना चाहता हूँ मैं उसको शो कराना चाहता हूँ सारा डेटा कलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसका मतलब है रिपीट करना चाहता हूँ डेटा को तो इन सब पर्पज़ के लिए हम लूप को इस्तेमाल करते हैं. तो आज जो मैं आपको कराऊंगा लूप उसमें मैं आपको डेटाबेस से तो नहीं कराऊंगा अलबत्त मैं आपको लूप की किस्में और लूप के साइंटेक्स को समझाऊंगा लूप है ही क्या. तो हमारे पास जो दो मेन लूप की कंडीशन जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है प्रोग्रामिंग में होती है एक होती है फॉर लूप और एक होती है वाइल लूप. दोनों का मकसद काम तकरीबन सेम ही है लेकिन साइंटेक्स डिफरेंट है. कहीं कहीं डेटाबेस में सिनेरियो में जाके दोनों में फ़र्क आता है मैं जब आपको समझाऊंगा कि फॉर और वाइल लूप में हमें क्या फ़र्क आता है. और फिर दूसरी कंडीशन होती है हमारे पास डू वाइल लूप. मैं तो लिख देता हूँ हमारे पास पहले होता है फॉर लूप फिर होती है वाइल लूप जो हमारे सी शार्प में सपोर्टेड है और इसके बाद हमारे पास होती है डू वाइल लूप. ठीक है जी ये तीन आपकी मेन लूप्स हैं हमारे जो सी शार्प में और जावा में और सी लैंग्वेज में इनमें सपोर्टेड होती है. और वीबी की सीरीज में हमारे पास डू अनटिल लूप भी होती है. डू अनटिल लूप भी इस्तेमाल होती है तो वो हमें सी शार्प में नहीं होती वो. अच्छा इससे अलावा फॉरेज की लूप भी होती है लेकिन फॉरेज की लूप हमारे पास जो है वो कलेक्शन से रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल होती है. फॉरेज लूप होती है लेकिन कलेक्शन से रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल होती है. ठीक है जी तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले फॉर लूप. देखिए अगर आप नॉर्मल लाइफ में किसी को कोई भी एक कोई काम देंगे या आप किसी को कहते हो कि आपको नंबर लिखवाना है एक से दस तक तो आप क्या बोलोगे उसको ये कहोगे कि एक से दस तक नंबर लिख कर दो. ठीक है जी अब आपने उसमें एक भी बताया यानी वन भी बताया और टेन भी बताया और वो सिक्वेंस भी बताइए कि एक वन टू टेन के दरमियान में जो नंबर है वो सारे लिख कर दो और टेन भी चाहिए या एक से दस से पहले जो छोटे नंबर है वो चाहिए. तो मतलब आपने वहाँ पे तीन चीज़ें उसको बताई स्टार्टिंग वैल्यू भी एंडिंग वैल्यू भी और सीक्वेंस भी बताई यानी कंडीशन भी बताई. तो हमारे पास जो फॉर लूप होती है बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल होती है कि फॉर लूप के अंदर तीनों चीज़ें एक साथ आती हैं. आपने फॉर लिखना है इसके अंदर तीन हमारे स्टेप्स हैं तीन पार्ट हैं फॉर लूप के. पहला जो आर्गूमेंट का जो पार्ट है पहला फॉर लूप के जो आर्गूमेंट है वो ये कि वहाँ पे आप वेरिएबल अगर आपने इनिशियलाइज़ नहीं किया तो वहीं पे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं और इसको वैल्यू डिक्लेयर भी कर सकते हैं. अगर आपने पहले से इनिशियलाइज़ किया हुआ है तो फिर आप इसको छोड़ दोगे लेकिन सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी होगा. तो मुझे मैंने कोई वेरिएबल नहीं बनाया तो मैं उसको इनिशियलाइज़ करना चाहता हूँ तो मैंने कहा इंट ए एक वेरिएबल बना दिया. अब इसको मैं वैल्यू इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ वैल्यू डिक्लेयर कर रहा हूँ मुझे लूप चाहिए वन टू टेन के दरमियान में मुझे नंबर चाहिए तो मतलब स्टार्टिंग वैल्यू मैं यहाँ पे दूंगा डिक्लेयर करते हुए. फिर इसके बाद मेरे दूसरा स्टेट है दूसरा स्टेप है दूसरा आर्गूमेंट है इस फॉर लूप का वहाँ पर हम कंडीशन देते हैं कि भाई हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए.
तो हम कहते हैं कंडीशन ये है कि ए लेस देन इक्वल टू 10, यानी 10 भी चाहिए और 10 से छोटे नंबर भी चाहिए। तो स्टार्ट 1 से हो रहा है तो 10 से छोटे नंबर भी चाहिए, तो उसका मतलब 1 से 10 तक की सीक्वेंस हमने उसको बता दी। फिर जो तीसरा इसका स्टेप होता है वहाँ हम ये बताते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मुझे 1 to 10 के दरमियान में क्या 1-1 का स्टेप चाहिए इंक्रीमेंट करना है, 2-2 का करना है, 3 का स्टेप करना है, मुझे इवन नंबर चाहिए, मुझे ऑड नंबर चाहिए, तो वो हम यहाँ डिफाइन करेंगे। अगर हमें 1-1 का इंक्रीमेंट ही करना है तो हम ए प्लस इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस 1 भी कर सकते हैं और साथ में ए प्लस प्लस भी कर सकते हैं। सो मैं तीनों स्टेप मैंने उसको बता दिए। अब मुझे प्रिंट करवाना है, तो ये फॉर की बॉडी आ गई। अब मुझे प्रिंट करवाना है, मैं कंसोल पे काम कर रहा हूँ, तो हमने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन और मैंने कहा प्रिंट कर दो किसको, ए को, तो ये प्रिंट कर देगा। स्क्रीन को रोकने के लिए मैं यहाँ पे रीड करवा देता हूँ, तो मैं यहाँ से रन करूँगा तो मेरे पास मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे आके कुछ भी लिखवाना चाहता हूँ तो लिखवा सकता हूँ। मैंने चाहे इसी लाइन में लिखवाना है या चाहे मुझे इससे अलग लिखवाना है तो मैं लिखवा सकता हूँ। मैंने कहा प्रिंट कर दो, अलग से कराना है तो अलग से कर लो, और अगर इसी लाइन में करना है तो हमने इसी लाइन में आके इसके अंदर भी लिखवा देते हैं। हमने कहा वैल्यू ऑफ ए इज़, और साथ में मैंने इसको अपेंड कर दिया। अब जब मैं रन करूँगा तो वैल्यू ऑफ ए इज़ साथ में प्रिंट हो जाएगा। तीसरी बात, क्या जो मैंने ए लिखा है क्या उसको प्रिंट करवाना ज़रूरी है? अगर मैं इसको यहाँ से आके ए को हटा देता हूँ तो क्या मेरे पास एरर आएगा या आउटपुट आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि उसको उससे कोई गर्ज नहीं है कि मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करवाऊँ या ना कराऊँ। उसने तो लूप चलानी है, फॉर की बॉडी यहाँ से शुरू होगी, यहाँ तक चलती रहेगी, इवन उस तक जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। तो इसका मतलब है लूप तो चलती रहेगी। अगर मैं ए का प्रिंट नहीं भी लूँगा तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब हम डेटाबेस से काम कर रहे होते हैं तो वहाँ तो हम लूप चला रहे होते हैं, डेटा तो हमारे पास जो है बैकएंड में मौजूद होता है और हमें तो नहीं पता उसका इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। हम तो सिर्फ रिपीटेशन की लिस्ट सिक्वेंस लगा रहे होते हैं और हमें आउटपुट आ रहा होता है, तो डेफिनेट आउटपुट आएगा, वैल्यू ऑफ ए इज़ का आ जाएगा। लेकिन चूंकि मैंने ए का आउटपुट नहीं दिया तो एक आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन वो लूप जो है वो 10 टाइम चलेगी, 1 से स्टार्ट होकर 10 तक जो है वो 10 टाइम चलेगी लूप। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं 2-2 का जंप करना चाहता हूँ, मुझे इवन नंबर चाहिए 1 से 10 के दरमियान में, तो हम क्या लिख सकते हैं? हमने कहा ए, इस तरह भी लिख लें, ए प्लस इक्वल टू भी कर सकते हैं। हमने कहा ए इक्वल टू ए प्लस 1, ए प्लस 2 सॉरी, उसका मतलब है स्टार्ट 1 से होगा और 2 पे जाएगा, तो हमें क्या मिलेंगे? ऑड नंबर, हमें ऑड नंबर मिल जाएंगे, यानी 1, 2, 3, 5, 7, 9 क्या प्रिंट हो जाएगा। हमने कहा ऑड नंबर एस और साथ में मैंने इसको ए को का रिटर्न ले लिया, तो उसका मतलब मुझे क्या आएगा, ऑड नंबर इज़ 1, 3, 5, 7, 9। अच्छा, अगर मुझे इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर हम चाहते हैं 0, 1 से 10 में चाहिए, तो फिर मैं इसको स्टार्टिंग 0 से कर देता हूँ, वही 2-2 का जंप कर देगा तो 0 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद इस तरह से हमारे पास 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और फिर 10 आ जाएगा, तो इस तरह की आउटपुट आएगा। तो समझ सकिए कि जहाँ पे हमने स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से देनी है, हमने सीक्वेंस क्या रखनी है और साथ में हमने इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, कितना इंक्रीमेंट करना है, कितना डिक्रीमेंट करना है, ये सारी कंडीशन हम यहाँ से इसको मैच करते हैं। तो अगर मैं इसको इवन नंबर ले रहा हूँ तो मैं इवन नंबर का प्रिंट लिखवा देता हूँ। मैंने कहा इवन नंबर, ठीक है जी, और इवन नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, वो तो क्या लिखा हुआ है, मेन चीज़ें लिखा हुआ है, एक्चुअल तो नंबर ये जनरेट हो रहा है, ये हमारे कोडिंग से जनरेट हो रहा है, ये तो हम जो भी चाहे लिखना चाहे लिख लें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है, कोई स्ट्रिंग में आ रहा है और स्ट्रिंग में आ रहा है तो कोई भी प्रिंट करे, तो बेसिक बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल ये बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, नहीं तो जो है इन चीज़ों को जो है वो बड़ों जो प्रोफेशनल लगे हैं वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस चीज़ को सोचें कि यार कैसा हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, वो तो उनको तो सिर्फ एडवांस लेवल होता है। अच्छा, अगर मैं रिवर्स लूप चलाना चाहता हूँ, मुझे 10 से 1 तक नंबर चाहिए, तो फिर क्या होता है उसके लिए? देखिए तरीके का, अगर मुझे 10 से 1 तक चाहिए तो फिर मैंने कहा यहाँ पर आके मैंने कहा ए इक्वल टू, अब मुझे स्टार्टिंग वैल्यू 10 हो जाएगी, सब मतलब स्टार्टिंग वैल्यू में 10 हो जाएगी, और कहाँ तक चलना है, 1 तक चलना है, तो 1 पे आएंगे तो लेस देन तो नहीं होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी 1 और उससे बड़ा, कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, और जहाँ पे हमने ए इक्वल टू ए प्लस 2 किया है तो ए इक्वल टू ए माइनस 2 कर दोगे या फिर ए माइनस माइनस कर दो। ठीक है जी, तो अब इसका मतलब है 10 to 1 के अंदर हमारे पास जो है वो डेटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पे जाके ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मैंने 2-2 का जंप किया हुआ है।
तो रिवर्स लूप चलाने के लिए, अगर मुझे रिवर्स लूप चलानी है तो उसका मतलब है कि मेरे पास एक कंडीशन है, स्टार्टिंग वैल्यू जो एंडिंग वैल्यू है मेरी स्टार्टिंग वैल्यू जाएगी, क्योंकि मुझे 10 से 1 तक, अब मैं किसी को बोलूँगा ना तो क्या कहूँगा, 1 से 10 ही बोलूँगा, मैं उसको कहूँ 10 से 1 तक के नंबर लिख दो, तो 10 मैं बोल रहा तो मेरी स्टार्टिंग वैल्यू हो गई, 1 तक मेरी एंडिंग वैल्यू हो गई, और 10 से 1 की सिक्वेंस हो गई, 10 का मतलब है 1 से बड़ा चाहिए और 10 तक जाना है, ठीक है जी। और फिर इसके बाद जब उसको बोलूँगा जहाज में दो दो के जंप करना है तो दो दो माइनस करना है, तो यहाँ पर आगे माइनस की कंडीशन हो जाएगी, तो इस वजह हमें रिवर्स लूप चलाना होगा। तो सेम सेंटेक्स वही है, लेकिन जो है हमें हमें लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं, तो इस वजह आपकी रिवर्स लूप चल गई। अगर मुझे किसी नंबर का टेबल वगैरह चाहिए हो, वो भी बड़ा आसान है, मुझे अगर 5 का टेबल प्रिंट करना है या 6 का या 7 का, तो मैंने 7 का प्रिंट करना है, हमने 7 प्रिंट करवा दिया इसके अंदर ही, फिर इसके बाद मैंने एक्स का साइन दे दिया, और एक्स का साइन के बाद 7 मल्टीप्लाई पे फिर मैं 1 आता है, तो सोता 1 हमने ले लिया जो हमें ए देगा। मैं स्टार्टिंग वैल्यू इसकी 1 से कर देता हूँ, और इसको लेस देन इक्वल टू 10 ही रख देते हैं, और इसके बाद मैं इसको ए प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये इसका मतलब 1 आएगा, तो 1 के बाद अब मुझे फिर अपेंड करना है, अब क्या अपेंड करना चाहता हूँ, मैंने क्या इक्वल का साइन अपेंड करना चाहता है, 7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया ए के साथ, तो इसका मतलब है हमारे पास 7 का टेबल जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 7 का टेबल जनरेट हो गया, 7 का टेबल आ गया, 7 से लेके 7 10 70 तक, तो जो भी काम किया वो इसी के अंदर ही काम कर दिया हम लोगों ने। अगर मैं रिवर्स लूप के अंदर इसको देना चाहता हूँ इसी टेबल को, तो भी अब दे सकते हैं, इसी बस कंडीशन चल जाएगी, बाकी सब चीज़ें हमारे पास वही है, हमने कॉपी किया, वो तो उल्टी लूप चलाएगा, तो उसके ब्लॉक के अंदर तो उसने सिर्फ वो सिर्फ प्रिंट करवाना है ना, एक्चुअल तो यार कंडीशन मीट हो रही है, अब वो जहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 10 से स्टार्ट हो जाएगा, जब 10 पे खत्म होता था 1 पे खत्म हो जाएगा, जहाँ इंक्रीमेंट कर रहा था वो डिक्रीमेंट कर देगा, तो आप यहाँ पे इसको ए माइनस माइनस कर दोगे या ए इक्वल टू ए माइनस 1 कर दोगे, और यहाँ पे जो है वही रहेगा, ग्रेटर देन 1 ही रहेगा, तो अब आपके पास उल्टा भी चलेगी, आपके टेबल आ जाएगा, तो 7 का टेबल 10 तक आ रहा है, और फिर 7 10 70 से 7 1 7 तक आ रहा है, 7 1 7 तक आ रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गई होगी, हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इस लूप के अंदर मज़ीद क्या वैरायटी है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसको देखते रहिएगा। अच्छा देखिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे, मैंने इंटीजर नंबर लिया ना, राउंड फिगर पे काम कर रहा, तो राउंड फिगर पे आ रहा है, अगर मैं डेसिमल फिगर में काम करना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल वही है, कोई फर्क नहीं है। अभी मैंने कहा 4, और फिर हमने यहाँ पे जो है वो डबल जैसे ले लिया, हमने डबल टाइप ले ली, और डबल टाइप लेके मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है ना, मैंने कहा एक मिसाल है एक्स के नाम से ले लिया, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ 1.01, ठीक है जी। फिर इसके बाद यहाँ पर आके हमने कह दिया, अब यहाँ थोड़ी सी लॉजिक को समझिएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फिर हमने कहा एक्स लेस देन इक्वल टू, और मुझे प्रिंट चाहिए 1.10 तक, ठीक है जी। और फिर तीसरे ब्लॉक में आके मैंने कह दिया एक्स, और मैंने कह दिया एक्स प्लस, मैं इसके अंदर जो है वो 0.01 को ऐड कर देता हूँ। अच्छा अब देखिए, यहाँ समझिएगा बात, अगर मैं इसको एक्स प्लस प्लस कर देता हूँ होगा क्या, अब मैंने प्रिंट करवा दिया, हमने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैंने प्रिंट करवा दिया कि इसको एक्स को। अच्छा अब होगा क्या कि जब वो यहाँ पे प्रिंट करेगा, अब हमें पता है डबल वैल्यू आ रही है, मैंने इसको 1 1 का इंक्रीमेंट दे दिया, तो इसका मतलब है वो जो इसमें आएगा, और मैं इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाता हूँ, तो इसको मैं कह देता हूँ 10.10 कर देता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 वो 1 1 का जंप करेगा, वो मैं उसको इंक्रीमेंट जो दिया है 1 1 का इंक्रीमेंट दे दिया, तो अब जब हमारे रिपीट आएगा वो आ जाएगा आपके 1.01 2.01 3.01, इस तरीके से आपके आ रहा है, 1.01 2.01 3.01, और इस तरह से हमारे पास 10.01 आ रहा है आउटपुट, क्योंकि हम इसको मैंने 1 1 का इंक्रीमेंट दिया है। अगर मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे डेसिमल फिगर में काम करना है, जिस पर्पज़ के लिए मैंने इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं डेसिमल को ले रहा हूँ, और मुझे डेसिमल में ही इसका आउटपुट चाहिए और डेसिमल में इंक्रीमेंट करना है, तो फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे आके एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, और मैं यहाँ पे दे दूँगा जैसे मैंने कहा 0.01, जैसे मतलब पॉइंट्स में अब इजाफा करना। अब देखो मैं यहाँ से इसको कम कर देता हूँ क्योंकि बहुत लंबी लूप चल जाएगी, और मैं यहाँ पे जैसे इसको कर देता हूँ 1.01 कर देते हैं। अब क्या होगा 1.01 तो 1.02 0.03 0.04 0.05 0.06, अब वो इसमें इंक्रीमेंट करेगा और हमें आउटपुट देगा, ठीक है ना, 1.01 0.02 0.03 0.04 0.05 और 0.09 तक, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है वो यहाँ पे आके कंडीशन फॉल्स हो रही है, और यहाँ पे आके 1.1 पे आके यहाँ की कंडीशन आपकी क्लोज हो रही है और हमें यहाँ तक आउटपुट दे रहा है।
तो अगर हमें इस तरह की लूप चलानी हो, मुझे डेसिमल्स के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना हो, तो भाई ये तरीका है, और अगर हमें डायरेक्टली करना चाहे तो वो गलत तरीका हो जाएगा। फिर लूप हमें प्रोवाइड करता है ब्रेक का और कंटिन्यू के मेथड्स। ब्रेक करने लूप को हम ब्रेक करना चाहते हैं तो ब्रेक की स्टेट में होती है। अब जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसी में आ जाता हूँ, इसी में कंडीशन लगा लेते हैं, और हमने कहा प्रिंट कर दो, तो मैं यहाँ कंडीशन लगाता हूँ, मैं कहता हूँ इफ ए इक्वल टू 5, अगर 5 हो जाता है तो फिर क्या करना, हमने कहा 5 हो जाता है तो ब्रेक कर देना। सो मतलब अब जो लूप चलेगी वो ए का टेबल 7 का टेबल आएगा, लेकिन कब कहाँ तक आएगा, 5 तक आएगा। जैसे 5 आएगी तो वहाँ पे आके इसको लूप को ब्रेक कर देगा, तो 4 पे आगे पेरेंट रोक देगा, यानी 5 भी नहीं होने दिया। जैसे 5 आ गई उसने उसी वक्त उसको ब्रेक कर दिया, और जैसे ब्रेक कर दिया तो मतलब उसने टर्मिनेट कर दिया स्टेटमेंट को, और स्टेटमेंट को बाहर ले गया। तो हमारी जो लूप चली है वो 7 × 4 तक चली है, इसके बाद आगे उसकी लूप नहीं चली। ठीक है जी, मैं यहाँ पे आपको ब्रेक कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है जी, आप देखें तो हमारी लूप चलेगी वो 4 तक चलेगी, इसके बाद आके आपकी लूप नहीं चलेगी, उससे आके 7 × 1 से लेके 7 × 4 = 28 पे आके लूप को रोक दिया, और इसके बाद आके आपकी स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गई। ठीक है जी, इसलिए कि हमने यहाँ पे ब्रेक का मेथड लगाया। ठीक है जी, अच्छा अगर मैं यहाँ पे आके ब्रेक नहीं लगाता और ब्रेक की जगह मैं कंटिन्यू लगा देता हूँ, एक और मिलता है कंटिन्यू का स्टेटमेंट मिलती है हमें, हमने कंटिन्यू की स्टेटमेंट लगाई, अब क्या होगा, अब देखें जब ये प्रिंट करेगा इसको कंडीशन मिलेगी इफ ए इक्वल टू 5, जैसी कंडीशन मिलेगी तो वहाँ पे आके लूप को रोक देगा, फिर इसको मिलती है तो कंटिन्यू कर लो, तो मतलब 7 × 5 = 35 का प्रिंट नहीं देगा और उसको स्किप कर देगा, नहीं 5वीं दफ़ा जब लूप चलेगी और जब ए की वैल्यू 5 होगी तो वहाँ पे आके लूप को टर्मिनेट कर देगा। सो मतलब 7 × 5 = 35 का प्रिंट नहीं देगा, वो उसके बाद आगे कंटिन्यू करेगा लेकिन आपके पास उसका प्रिंट नहीं देगा। देखें 7 × 4 = 28 के बाद 7 × 35 का प्रिंट नहीं आ रहा, बल्कि 7 × 6 पे आ गया, लूप तो उसने कंटिन्यू कर दी, लेकिन जहाँ पे आके स्टेटमेंट मिलेगी तो उस स्टेटमेंट पे आके वो जब रुक जाएगा तो सोचते उसका प्रिंट तो देगा नहीं। अब उसके बाद मैं ब्रेक कर रहा हूँ या कंटिन्यू कर रहा हूँ वो स्टेटमेंट को ढूंढेगा, अगर ब्रेक मिल जाएगा तो टर्मिनेट कर देगा लूप को, अगर कंटिन्यू मिल जाएगी तो टर्मिनेट नहीं करेगा लूप को, वो कंटिन्यू कर देगा। तो इस तरीके से हम जो है वो ब्रेक को कंटिन्यू को इस्तेमाल करते हैं कि किस पर्पज़ के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करना चाह रहे हैं। अच्छा अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे वेरिएबल्स बनाना चाहता है, अगर हम चाहते हैं कि वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं और उस एक लूप के अंदर मैं एक से ज़्यादा वेरिएबल्स देना चाहता हूँ, तो हमें नॉर्मली सिंपल काम किया ना, मैं एक से ज़्यादा वेरिएबल्स देना चाहता हूँ तो कैसे होता है। हमने कहा एक मिसाल, हमने कहा फॉर, और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, मैंने कहा इंट एक्स इक्वल टू 1, फिर मैं कहता हूँ एक और वेरिएबल ले लेता हूँ वाई के नाम से, और मैं वाई इक्वल टू इसको कर देता हूँ, सॉरी वाई वेरिएबल लेना पड़ेगा, हमने कहा इंट वाई इक्वल टू, मैंने इसको कर दिया 0। अच्छा अगर मैं सर दोनों सॉरी मैं सेपरेटर लगा, मैं कॉमा लगाना है ना, मैंने तो सर में टर्मिनेटर लगा दिया तो टर्मिनेटर होकर दूसरे ब्लॉक में चला गया था, वहाँ तो कंडीशन ही नहीं होती है, तो मेरे में इसी ब्लॉक में नहीं जाता, फिर हम यहाँ कॉमा लगाएंगे, और मैंने कहा इस तरह के, हमने कहा वाई इक्वल टू 0, तो एक्स और वाई दोनों इंटीजर हो गए, दो इंटीजर वेरिएबल्स हो गए, एक एक्स की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से और मैं वाई की वैल्यू स्टार्ट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 0 से। फिर आप यहाँ पे आके दूसरे ब्लॉक में आ गए जहाँ मुझे स्टेटमेंट देनी है, कंडीशन देनी है, तो मैंने कहा इस तक का लूप चला जब तक, हमने कहा सॉरी एक्स लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चला, जब तक वैल्यू आपकी 5 नहीं होती। ठीक है जी, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे आके कंडीशन को आके रोक दिया, यानी टर्मिनेट कर दिया, कंडीशन यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ब्लॉक पर आता हूँ और मैं कहता हूँ एक्स प्लस प्लस और कॉमा, क्योंकि मैं दो कंडीशन लगाना चाहता हूँ तो सेमीकोलन लगा नहीं लगा सकते, कॉमा लगाएंगे, सेपरेटर, तो जितने चाहे वेरिएबल ले सकते हो, और मैंने कहा वाई प्लस प्लस। तो इस मतलब अब हमारे पास जो है हमने दो वेरिएबल्स दिए हैं एक ही स्टेटमेंट के अंदर, तो ये जो पहला ब्लॉक है जहाँ पे हम वेरिएबल इनिशियलाइज़ करते हैं
और उसको वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर यहाँ पे आके दो वेरिएबल ले लिए, बीच में कॉमा सेपरेटर लगा लिया। स्टेटमेंट में एक ही पे देना चाहता हूँ तो एक ही पे दे रहा हूँ, दोनों पे देना चाहे दो पे भी दे सकते हैं, बीच में आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर आपको एंड वगैरह कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी कि किसके अगेंस्ट में काम हो जाए ना। तो और इस तरह से जहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं वो तीसरा ब्लॉक है, उसमें मैंने वैल्यू पास कर दी। तो दो में मुझे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है तो बीच में हमने कॉमा सेपरेटर यूज़ कर लिया। अब मुझे प्रिंट करवाना है, हमने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन और प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो। अब मुझे देखिए दोनों का प्रिंट चाहिए तो यहाँ पे मैं इंडेक्स यूज़ करूँगा, मैंने कहा एक्स, हमने कहा एक्स एक्स वैल्यू, ठीक है जी। अब इसके साथ मैं यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स दे दूँगा, समझो जो आखिर में जो मैं वेरिएबल दूँगा जो पहला वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो हम यहाँ पे इस तरह से इंडेक्स पास कर देंगे। और इसी तरीके से फिर मैं यहाँ पे आके और साथ में कहता हूँ वाई वैल्यू, ठीक है जी। और फिर इसके बाद यहाँ पर आके हमने दूसरा इंडेक्स पास कर दिया, हमने कहा वन। तो अब जो मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा उसमें जब मैं कॉमा लगा के मैं कहूँगा ए, तो ये ज़ीरो के इंडेक्स पे चली जाएगी और बी जो है सॉरी एक्स पहले पे आ जाएगी और वाई जो है आपके पास सेकंड वाले पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है एक्स जो है वो ज़ीरो इंडेक्स पे प्रिंट देगा और वाई आपका जो है वो वन इंडेक्स पे प्रिंट देगा, ठीक है जी। अब जब मैं इसको प्रिंट दूंगा तो इसका मतलब मल्टीपल वैल्यू आ जाएगी। अब जब मुझे आउटपुट आएगा थोड़ा डिफरेंट आएगा क्योंकि मैंने दो कंडीशन को मैच किया हुआ है। अब कह रहा है एक्स की वैल्यू वन है, वाई की वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि वाई की स्टार्टिंग वैल्यू ज़ीरो है, एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू वन है। फिर एक्स की वैल्यू टू हो गई तो वाई आपका वन हो गया, फिर एक्स की वैल्यू फाइव हो गई तो वाई आपका फोर हो गया। तो मैं यहाँ पे कंडीशन मैच कर रहा हूँ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू फाइव तक, तो यहाँ पर आके तो आपकी वैल्यू ख़त्म हो गई। तो मतलब वन से शुरू हुआ ये फाइव तक चला, और जब यहाँ पर आके ज़ीरो से शुरू कर रहा है तो ये आपके पास कहाँ जा रहा है, ये फाइव तक नहीं जाएगा बल्कि फोर तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आके स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। और जब स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई तो एक तो उसने आउटपुट दिया हुआ था, और जब दूसरे का इसकी दवा में आउटपुट नहीं देगा क्योंकि जब आगे नीचे फॉल्स हो जाएगी तो फिर यहाँ से उसको बाहर निकाल देगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे चाहिए हमने ब्रेक वगैरह भी चल दिया, कंटिन्यू भी कर दिया। अच्छा, एक नई चीज़ सिखाता हूँ, देखिए समझिएगा इस लॉजिक को। अगर मुझे कोई इस तरह का सिनेरियो है कि मुझे इनिशियल वैल्यू में मैं फोर के ब्लॉक में नहीं देना चाहता हूँ, मैं सीक्वेंस भी फोर के ब्लॉक में नहीं देना चाहता हूँ, मैं इंक्रीमेंट भी नहीं देना चाहता हूँ, अब कैसे होगा, इस तरह के सिनेरियो में क्या होगा, अब यहाँ समझिएगा बात को। तो मैं पहले तो एक वेरिएबल अलग से बना लूँगा, मैंने कहा एंट एक्स के नाम से वेरिएबल बना दी और उसको मैंने स्टार्टिंग वैल्यू पास कर दी फॉर एग्जाम्पल वन, ठीक है जी। एक्स हमारा वेरिएबल हो गया, उसकी वैल्यू हो गई स्टार्टिंग वैल्यू होगी वन। अब मैं फोर की लूप चलाऊँगा तो मैं फोर की लूप में इस एक्स को कॉल करना चाहता हूँ, मैं नहीं करता। तो मुझे पहला ब्लॉक जिसके अंदर हमारे पास जो है इनिशियलाइज होता है मैं उसको बंद कर रहा हूँ, सिर्फ सेमीकोलन देना ज़रूरी है। दूसरा ब्लॉक जिसके अंदर सीक्वेंस होती है मैं उसको भी बंद कर रहा हूँ, मैं उसको उसमें वैल्यू नहीं देना चाहता। तीसरे ब्लॉक को भी मैं नहीं देना चाहता हूँ। तो फिर अब इस सिनेरियो में क्या होगा कि मैं फोर की बॉडी यूज़ करूँगा, हम यहाँ पर आके फोर की बॉडी यूज़ करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आके जब मैं बॉडी यूज़ करूँगा तो फिर मैं यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगाऊँगा। मैं कहता हूँ इफ़ हो सकता जब एक्स लेस देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू कर दो या टेन कर दिया मैंने। अब मैं जो दूसरी सीक्वेंस थी, यानी देखो पहला इनिशियलाइज मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, बाहर पहले से वेरिएबल मौजूद है तो वो मैंने तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको पिक कर लेगा, ठीक है जी। ये जो दूसरी सीक्वेंस मैंने खाली छोड़ दी है वो मैंने इसको इफ़ की कंडीशन लगा के इस तरह से मैच किया, इफ़ एक्स इक्वल टू वाई टेन हो जाए फिर मैं इफ़ की बॉडी बना रहा हूँ। और यहाँ पे आके हमने इसको प्रिंट करवा दिया, हमने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन और मैं प्रिंट करवा देता हूँ किसका, एक्स का। अब यहाँ समझिएगा, अब आ गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मैं इंक्रीमेंट क्या करना चाहता हूँ, डिक्रीमेंट क्या करना चाहता हूँ, तो फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करूँगा। यानी जस्ट लाइक मैं वाइल लूप के सिंटैक्स को मैच के जरिए से इफ की कंडीशन को मैच करा रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद आके हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ पर आके अब लूप कब तक चलेगी, तो हमने कहा एल्स की कंडीशन लगा लेते हैं, हमने कहा एल्स अगर जैसे कंडीशन हो जाती है तो इसके बाद आप क्या कर दोगे, इसको ब्रेक कर दोगे। तो यहाँ इसको हम रन करते हैं एक्स में, तो ये आई थिंक वो पहले से पता हुआ, तो हम एक्स वाई कर देते हैं, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। तो अब देखिए आपके पास जो कंडीशन आएगी वो कैसे आ रही है, देखिएगा इसको कि इसने वन से लेकर टेन तक आउट भी सब लगा कोई फ़र्क नहीं है, मैंने वो तीनों चीज़ें उसके ब्लॉक में नहीं रखी, मैंने तीनों चीज़ें अलग अलग कर दी, लेकिन मुझे उसका तरीका आना चाहिए।
हमने क्या किया, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, खाली कर दिया, फिर इसके बाद हमने दूसरी, ये ज़रूरी नहीं है यहाँ बनाओ, कहीं पर बनाओ, लेकिन जब मैं यहाँ प्रिंट लूँगा, इसको कंडीशन दूंगा, तो ये ऑटोमेटली इसको ढूंढेगा एक्स वाई को, और एक्स वाई की वैल्यू उसको बाहर से मिली भी होगी, उसके बाद ऑलरेडी वेरिएबल बना हुआ है, तो उसको पहले ब्लॉक के अंदर असाइन कर देगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आके जब कंडीशन में दे दूंगा तो उसको दूसरे ब्लॉक में कर देगा। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने तीसरा पार्ट कर दिया तो उसने उसको जो है उसको भी ले लिया। तो इस तरह से बिल्कुल एक अलग से कोड कर रहा हूँ, सिर्फ वैसे आपकी लॉजिक क्लियर करने के लिए, अपनी लॉजिक आप क्लियर करना चाहे तो किस तरह से इसको लॉजिक को हम क्लियर करते हैं कि आप देखो तीनों चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन तीनों चीज़ें अगर मैं उसके ब्लॉक में नहीं रखूँगा तो वो ढूंढेगा वो चीज़ें, उसको वो लेगा, जब मैं इसको एक्स वाई करके दे रहा हूँ ना, तो ये एक्स वाई को ढूंढेगा और उसकी इनिशियल वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ असाइन कर देगा। फिर जब मैं यहाँ पे आके इंक्रीमेंट कर दूंगा तो इसको जो तीसरा ब्लॉक इंक्रीमेंट का वो वहाँ पर आके इंक्रीमेंट लगा देगा और उस पर काम कर लेगा। तो कहने का मकसद ये करना उसने वही है सब कुछ, लेकिन सिर्फ वैसे अपनी कंडीशंस को चेक करके उसने काम करना है। तो तीनों कंडीशन तो उसको वैसे भी देनी है, उसको उस ब्लॉक में नहीं मिलेगी तो अलग अलग मिलेगी, तो उसको भी ही वो काम करेगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं, अब जो है इसके बाद हम आ जाते हैं और हमने कहा अगर नेस्टेड लूप चलाना चाहते हैं, नेस्टेड मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ किसी भी चीज़ को के अंदर उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना नेस्टेड कहलाता है। तो अगर मैं फॉर के अंदर फॉर लूप को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो हमने कहा फॉर, और हमने इसी का इंट वेरिएबल ले लिया, हमने कहा कोई भी वेरिएबल देते, हमने जे ले लिया और जे का एक वेरिएबल देता हूँ मैं, उसको इनिशियल वैल्यू पास कर देता हूँ आई से करते ज़्यादा नॉर्मली अपर में जो है वो आपके पास जो है वो आई होता है और नेस्टेड में जे होता है, बुके भी इस्तेमाल करती आ रही है इसको, तो मैं भी वही करता हूँ ताकि आपके लिए कोई मुश्किल नहीं हो, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैंने कहा आई लेस देन इक्वल टू, हमने कह दिया कहाँ तक चले, फाइव तक चला ले, और फिर मैं इसको आई प्लस प्लस कर देता हूँ। अब ये मेरी जो है आउटर लूप कहलाई, ये आउटर यानी पैरेंट लूप हो गई। उस आउटर के अंदर अब मैं नेस्टेड बना रहा हूँ, तो मैंने कहा फॉर, अब मैं नेस्टेड लूप बना रहा हूँ, इंट जे एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ और उसको भी मैं वैल्यू देने के बजाय, चूँकि मैं उसका इनर है, मैं उसको उसके से लिंक करूँगा, उसके अंदर जब अपर चलेगा तो इनर चलेगा, तो जे की वैल्यू मैं यहाँ पर आई के बराबर कर देता हूँ कि जो आई की वैल्यू बने वो जे की वैल्यू बन जाए, तो आई की वैल्यू वन हो जाएगी तो जे की वैल्यू वन हो जाएगी, आई की वैल्यू दूसरी टाइम में टू हो जाएगी तो जे की वैल्यू टू हो जाएगी, इससे तरह आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी फाइव तक, तो जे की वैल्यू भी फाइव तक जाती जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि हम नेस्टेड बना रहे हैं तो दोनों का आपस में लिंक तो रखूँगा ना मैं। फिर इसको मैंने कहा जे की वैल्यू भी मैं वही देता हूँ, मैंने कहा जे लेस देन इक्वल टू फाइव कर देता हूँ, इसको मैं फाइव तक ही चला देता हूँ, और फिर मैं इसको आगे जे प्लस प्लस कर देता हूँ। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे आगे इसको प्रिंट दे दिया, हमने कहा प्रिंट कर दो, मैं दोनों का प्रिंट लेता हूँ, और मैंने कहा एक्स का प्रिंट भी लेना है, वाई का भी लेना है, तो हमने वही लिखता, हमने कहा वैल्यू ऑफ आई, और फिर मैं यहाँ पे आके इंडेक्स पास कर देता हूँ, ज़ीरो इंडेक्स, तो मैं आगे दूंगा वैल्यू, और इसी तरीके से हमने कॉमा लगाया, हमने कहा वैल्यू, कॉमा ज़रूरी नहीं है, ऑफ जे, और फिर मैंने यहाँ पे आके इंडेक्स वन पास कर दिया, और फिर इसके बाद यहाँ कॉमा ज़रूरी है, यहाँ पर आपने कॉमा लगाना है, और फिर आपने दोनों इंडेक्स देने हैं, हमने कहा पहला इंडेक्स जो है उसको मिल जाएगा उसको आई से, और दूसरा मिल जाएगा उसको जे से। तो अब यहाँ पे नेस्टेड लूप चलेगी, लूप के अंदर लूप चलेगी, और सेमी कॉलन सॉरी नहीं लगा, तो लूप के अंदर लूप चलेगी आपके पास, और उसके अंदर जो है वो नेस्टेड होगी, एक होगी पेरेंट एक होगी चाइल्ड। अब देखा ए की आई की वैल्यू वन हुई तो जे की वैल्यू भी वन हो गई, आई की वैल्यू वन ही रही, वन चलती है कोई पेरेंट है, अपनी वन चल रहा है उस तक जब तक जे फाइनल नहीं होता, तो जे की वैल्यू एक से लेके फाइव तक हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू टू हो जाएगी, फिर जे की वैल्यू इस तरह सिक्वेंस में चलेगी, फिर आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी, तो चूंकि हम आई की वैल्यू को जे की वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं, तो देखो वो शुरू वहाँ से कर रहा है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, इसको मैं जे की वैल्यू भी वन से कर देता हूँ, तो सब फिर भी वन से फाइव तक नंबर चलेंगे, तो अब चूँकि आई की वैल्यू वन थी तो वन चलेगी, आई की वैल्यू टू हो गई तो ऑटोमेटिकली जे की वैल्यू भी टू हो गई, तो जे ने टू से स्टार्ट कर दिया, जब आई की वैल्यू थ्री हो गई तो जे ने थ्री से स्टार्ट कर दिया, फिर इसी तरह आई की वैल्यू फोर हो गई तो जे ने फोर से स्टार्ट किया, फिर जब आई की वैल्यू फाइव हो गई तो जे ने फाइव से स्टार्ट किया। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि मैंने जे को बराबर किया आई के, तो जो आई की वैल्यू हो रही है वही जे की वैल्यू बन रही है। तो नेस्टेड लूप इस तरह के सिनेरियो में हम इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी फॉर लूप को, बहुत डिटेल के साथ मैंने समझाया, और फिर इसके बाद फर्दर हम आगे जो है सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें जहाँ जहाँ इसको इस्तेमाल करना होगा मैं आपके सामने इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ भी आपके पास साइंटिक्स क्लियर होना चाहिए, आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, फिर तो हम कहीं पर भी इसको कंडीशन में इस्तेमाल करना चाहे तो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से अगर वाइल लूप को मैं देखता हूँ तो जैसे फॉर लूप करती है ऐसे वाइल लूप भी कर रही होती है, और सिर्फ साइंटिक्स डिफरेंट होता है, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ।
और मैंने आपको बताया जहाँ डेटाबेस पे काम होता है, जहाँ पे हमें नहीं पता हो कि हमारी लॉजिक कितनी चलेगी, हमारी लेंथ क्या है, हमारी डेटा की लेंथ क्या है, तो फिर हम वहाँ पे वाइल को यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्योंकि वाइल के अंदर हम आते हैं तो वाइल तो आउटपुट दे रही होती है, जैसे हमने वाइल के लूप को सिंटैक्स किया, हमने वेरिएबल लिया और मैंने एक वेरिएबल पास कर दिया, हमने कहा एक मिसाल है वाई के नाम से ले रहा हूँ और उसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ वन से। वो तीन चीज़ें हमें चाहिए, पहला जो ब्लॉक हम फॉर के लूप के अंदर जहाँ यूज़ कर लेते थे वो हमें अलग से बना दिया। फिर इसी तरीके से हमने जो है वो फिर मैं जो है वो दूसरा उसका ब्लॉक बनाना है, बिल्कुल आई वाई के ऊपर लगा हुआ है तो मैं इसकी जगह कर देता हूँ, मैंने कहा मिसाल है डी कर देता हूँ, डी इक्वल टू वन कर देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा अब जो है वो पहला ब्लॉक मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया, अब जो दूसरा ब्लॉक है वो कहाँ होता है, वाइल की लूप के अंदर होता है। हमने कहा वाइल डी लेस देन इक्वल टू 10, जो हमारे पास दूसरा ब्लॉक होता है वो हम वाइल की लूप की स्टेटमेंट के आर्गूमेंट में उसके आर्गूमेंट में पास करते हैं। फिर वाइल की बॉडी होती है, हमने वाइल की बॉडी पास कर दी, फिर इसके बाद हम यहाँ पे आके प्रिंट करवाते हैं। हमने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट कर दो किसको, डी को। फिर तीसरी चीज़ रहेगी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं। हमने कहा डी प्लस प्लस और डी इक्वल टू डी प्लस वन, डी इक्वल डी माइनस वन, रिवर्स लूप चलानी, ये सब चीज़ें वही हैं, सिर्फ सिंटैक्स यहाँ पे आके चेंज हो जाता है। और हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, हमने कहा वैल्यू फ्रॉम वाई, वैल्यू फ्रॉम वाई फ्रॉम डी इज, और साथ में मैंने इसको डी को प्रिंट करवा दिया। तो अब मेरे पास जो है वो देखें वाइल लूप भी वही आउटपुट दे रही है, सीधे से आउटपुट दे रही है, सिर्फ वैसे सिंटैक्स का फ़र्क है। और बताया मैंने आपको कि डेटाबेस से जब हम काम करते हैं तो वो वहाँ पर आके जहाँ पे हमें नहीं पता कि कहाँ तक लूप चलानी है, तो फिर इस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे जो है वाइल की लूप चला लेते हैं। वहाँ पे वाइल की लूप हमें आसान रहती है एज़ कम्पेयर टू PHP के फॉर लूप के, क्योंकि फॉर लूप में भी काम हो सकते हैं, जब हमें नई कंडीशन पता है तो हम काम करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल सिंटैक्स होता है, वाइल आसानी से सिंटैक्स होता है। तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है वो आती है डू वाइल। अब देखो अगर मैं यहाँ पे आके कंडीशन रॉन्ग कर देता हूँ, डी लेस देन इक्वल टू 0 कर देता हूँ, मैंने कहा वन से स्टार्ट करो, उस वक्त तक करो जब तक डी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आके हमने कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमें कोई प्रिंट नहीं आएगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा, किसी तरह का कोई आउटपुट नहीं आएगा। देखें हम यहाँ पर आ जाते हैं तो मुझे कोई डी का आउटपुट नहीं आ रहा, ठीक है जी। इस तरह का सिनारी होता है और मैं चाहता हूँ वन टाइम आउटपुट ज़रूर आए, यानी पहले प्रिंट करो इसके बाद कंडीशंस को मैच करो, कंडीशन रॉन्ग है तो ठीक है टर्मिनेट कर दो, अगर कंडीशन रॉन्ग नहीं है तो आगे कंटिन्यू कर दो। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डू वाइल लूप को, ठीक है जी। देखें तो मैं बंद कर देता हूँ, फिर दोबारा डू वाइल लूप कैसे होती है, अगर मैं डू वाइल लूप में सिंपल पहले काम कर लेते हैं, मैं इसी डी को चेक कराता हूँ जो मैंने डी ऊपर दिया हुआ है, मैंने कहा डू, ठीक है जी। अब मैं डू पे आके पहले प्रिंट करवाता, हमने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट कर दो, हमने कहा वैल्यू फ्रॉम डू वाइल, ठीक है जी, ताकि आपको मालूम चले फ़र्क का, और मैं इसको डी देता हूँ, ठीक है जी। प्रिंट करवा दिया, यानी पहले प्रिंट करवा दिया, प्रिंट करवाने के बाद अब आपने क्या करना होता है, जो दूसरा ब्लॉक होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, वो हम यहाँ देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आके आपने क्या करना होता है, वाइल लगाना होता है लाजमी, डी लेस देन इक्वल टू मैंने कह दिया 10, तो बिल्कुल सही कंडीशन है, सब सारा काम वही हो रहा है। जब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे डेफिनेट आउटपुट आ जाएगा 1 से लेके 10 तक, सही है। वैल्यू फ्रॉम डू वाइल, तो हमने वैल्यू फ्रॉम डू वाइल, अच्छा सॉरी हमने डू की लूप चलाई, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, फिर हमने कहा डी प्लस प्लस, और फिर हमने यहाँ पे डी लेस देन इक्वल टू 10, मैं वेरिएबल को चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आके डी की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है जी। आप देखते हैं इसको, तो जहाँ देखिए हमारे पास चूँकि वो वहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही थी ना, 10 हो गई थी, डी की वैल्यू 10 हो गई थी और उसके बाद उसको मिल रही थी, तो डी की वैल्यू 10 हो चुकी थी, तो इसलिए उसने 11 का प्रिंट किया। तो बिल्कुल सही सेम आउटपुट आया जो हमें आना था, जैसे हमें वाइल के लूप ने किया, जैसे फॉर लूप ने किया, सेम टू सेम वही आउटपुट आया, कोई फ़र्क नहीं आया,
इससे आउटपुट दे दिया, लेकिन जहाँ फ़र्क आएगा वह यह आएगा कि अगर मैं यहाँ पे आके कंडीशन को चेंज कर देता हूँ, अब देखो मैं इसको ज़ीरो कर देता, जो हमने पहले किया था वाइल में तो हमें कोई आउटपुट नहीं आया था क्योंकि कंडीशन यहाँ पे आके रॉन्ग हो रही थी, लेकिन चूँकि हमारा डू का क्या करेगा, पहले प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर आगे कंडीशन को चेक करेगा, तो अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रिंट तो कर चुका है वो रिटर्न नहीं कर सकता, इंक्रीमेंट वो कर चुका है वो रिटर्न नहीं कर सकता, यहाँ पे आके वो टर्मिनेट ज़रूर कर सकता है, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये चीज़ प्रिंट कर चुका है तो वन टाइम प्रिंट ज़रूर आएगा। अब देखिए आपके पास वन टाइम उसने प्रिंट दिया, तो अगर इस तरह सिनेरियो में मैं जाता हूँ, मैं देखते जाता हूँ कि कम से कम अगर कंडीशन रॉन्ग हो रही है तो वन टाइम प्रिंट तो दो, तो इसका मतलब फिर उस सूरत सिनेरियो में हम डू वाइल को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो आई थिंक आपको फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप तीनों अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फिर मैं कलेक्शंस के लिए जो है फॉर ईच की लूप होती है वो मैं जब एरे पढ़ाऊंगा तो एरे के साथ मैं सिखाऊंगा, तो उसमें आपको लोगों के साथ में मैं जो है फॉर ईच की लूप का समझा दूंगा कि फॉर ईच लूप वहाँ पर कैसे काम करती है, तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें और वन बाई वन को समझिए। अगर आपको इसके स्क्रिप्ट चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको स्क्रिप्ट जो है वो मेल कर दूंगा आपकी आईडी पे, या अपनी आईडी दे दें, या फिर मैं किसी क्लाउड पे इसको जो है वो अपलोड कर दूंगा तो उसका मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, तो अगर आपको कोड चाहिए तो। लेकिन बेहतर है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, समझें, रोके, ब्रेक करें और समझें, अपनी लॉजिक सही करें और फिर इसके बाद उसमें मज़ीद चेंजिंग करें। आप इसमें छेड़छाड़ करो, चेंजिंग करो, ये कंप्यूटर आपको कुछ भी नहीं करेगा, ये होगा इन्फिनिट लूप चल जाएगी ना, और क्या होगा, थोड़ा बंद कर देना, टर्मिनेट कर देना और उसके बाद वन बाई वन इसको चलाते रहोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है हम यहाँ पे लूप चलाते हैं और कैसे इसका आउटपुट होता है। तो आई होप इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई इशू हो तो आप ज़रूर मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा मुझे, ओके जल्द, और ज़रूर मेरी इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद आई है तो उसको सब्सक्राइब करें, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ आता रहेगा और फिर मेरे लिए मेरा मोरल बुलंद होगा, मैं भी इसमें मज़ीद आगे रिकॉर्डिंग जो है वीडियोज़ देता रहूँगा। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।